मेरा नाम शीतल अंतानी है और ये मैं आइस गोला खा रही हूँ, कैडबरी का है, इट्स वेरी टेस्टी। पर्टिकुलर डिशेज तो बहुत मिलती हैं बट मुझे ऐसे इसमें खाना, स्टिक में खाना बहुत अच्छा लगता है। इसका फील अलग होता है। ये राजभोग फ्लेवर, ये बटर स्कॉच फ्लेवर, ये मावा फ्लेवर, ये कैडबरी फ्लेवर, ये है मैंगो फ्लेवर, ये है रोज फ्लेवर। ओ भाई साहब, आप देख रहे हो एक ही आइस डिश के अंदर कितने सारे फ्लेवर आ रही है। ये जो आइस है वो आर होल्डर के पानी में से बनाई जाती है, इसीलिए आप चाहे एक डिश खाओ, आप दो खाओ या तो आप तीन खाओ, ये खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे गोला बनने की शुरुआत हो चुकी है। सो भाई आप ये कौन सा बना रहे हैं? क्या बात है भाई, इसकी प्राइस क्या रहती है? 120। ओके सही है। वैसे आपके यहाँ गोला की प्राइस स्टार्ट कहाँ से होती है? 30 रुपीज से होती है जी। ओके, और इससे आगे 40 वाला होता है, 50 वाला होता है, 80 वाला होता है, 100 वाला होता है, आप ही दे जाऊंगा 120। 150-250 तक का गोला होता है। क्या बात है भाई, क्या गेट बने सिर्फ। वाह भाई वाह, क्या मस्त दिख रहा है। ये क्या डाल दो भैया? वाह भाई वाह, एकदम गाड़ी मलाई है। चॉकलेट सिरप यहाँ के ऊपर से, चॉकलेट सिरप, अमूल का क्रीम। वाह भाई वाह, यहाँ के ऊपर से अमूल का क्रीम। यहाँ के ऊपर से कहीं डिफरेंट तरीके के ड्राई फ्रूट। वाह भाई वाह, चॉकलेट चिप्स, यहाँ के ऊपर से चोकोबॉल, जो मेन आइटम है। वाह भाई वाह, चोको पाई, क्या मस्त दिख रहा है। ऊपर से थोड़ा और फ्लेवर ऐड करिए जाए। तो भाई अभी कौन सा गोला बना रहे हो? ये हमारा रजवाड़ी मिक्स गोला जी। जी इसकी प्राइस क्या रहती है? इसकी प्राइस है 100 रुपया। 100 रुपये, वाह भाई वाह। भाई जी इसे बनते बनते कम से कम 2 से 3 मिनट हो चुके, फिर भी ये क्यों नहीं पिघल रहा? ये इसके अंदर जो बर्फ होता है ना जी, जी एरोप्लेन में से बनता है। वाह भाई वाह, मिनरल वाटर का बनता है इसीलिए पिघलता नहीं है। ये राजभोग फ्लेवर। वाह भाई वाह, ये बटर स्कॉच फ्लेवर, ये मावा फ्लेवर, सभी फ्लेवर में ढेर सारा मावा भरा हुआ होता है। ये कैडबरी फ्लेवर, ये है मैंगो फ्लेवर, ये है रोज फ्लेवर। ओ भाई साहब, आप देख रहे हो एक ही आइस डिश के अंदर कितने सारे फ्लेवर आ रही है। अरे मावा मलाई। वाह भाई वाह, एकदम गाड़ी मलाई है। और ऊपर से अमूल का क्रीम। अरे क्या गया, ऊपर से चॉकलेट। चॉकलेट की और ये मावा। कैसी भाई, आप देख रहे हो ढेर सारा अमूल का क्रीम है और ढेर सारी चॉकलेट है, मतलब कि ये जो हमारा गोला है वो एकदम लोडेड है। वाह भाई वाह, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों फाइनली ये जो हमारा गोला है वो एकदम सज धज के तैयार हो चुका है खाने के लिए। सो अभी हम कौन सा बना रहे हैं? ये चोकोबॉल कैडबरी। ओके, इसमें आता है ढेर सारा कैडबरी फ्लेवर, ऊपर से मावा क्रीम और चॉकलेट, अमूल क्रीम, चोको बोल आता है। वाह भाई वाह, इतनी सारी चॉकलेट, क्या बात है।
ये हमारा गोला फुल फेमस है चोकोबल कैडबरी, जो बच्चों से लेकर बड़े तक सब लोग फुल खाते हैं। ये फ्लेवर जो है हमारा सबसे ज्यादा जाता है चोकोबल कैडबरी का। इसके प्राइस क्या बताया आपने? इसके 120 रुपए प्राइस। सही है और एकदम लोडेड है। ये राजभोग फ्लेवर, क्या मस्त खुशबू आ रही है। और ये मावा फ्लेवर, दिखने में एक जैसा लगता है लेकिन टेस्ट सब अलग है। ये है मैंगो फ्लेवर, ये बटर स्कॉच फ्लेवर, ये है स्पेशल कैडबरी जो सबको पसंद आता है वही, ये डेरी मिल्क फ्लेवर, ये रोज फ्लेवर, और इसके अलावा ये कच्चा आम, पाइनएप्पल, काला खट्टा, जामफल और सबका फेवरेट ऑरेंज। वाह भाई वाह। ये कुल मिला के आपके पास कितने फ्लेवर हैं? कुल मिला के 20 फ्लेवर होते हैं, उसमें से कोई भी गोला खाओ आप 30 रुपीज से चालू होता है और 100 रुपीज तक का आता है। सही है। और स्पेशल फ्लेवर है जो 120 से चालू होता है, 150 रुपए का आता है, और फैमिली डिश है जो बुर्ज खलीफा है जो फुल फेमस है, वो 250 रुपए का आता है। सही है। वैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? सबसे ज्यादा कैडबरी फ्लेवर चलता है। ओके। और वो भी मीडियम ड्राई फ्रूट वाला जो फिटली वाला है, वो सब लोग ज्यादा खाते हैं। जी जी, यहाँ का एरिया ऐसा है, सब लोग इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक है इसलिए। सही है दोस्तों, फाइनल अभी यहाँ पे रेडी हो चुका है चोकोबल गोला, जिसकी प्राइस 120 रुपए। आप देख सकते हो इसमें कई डिफरेंट तरीके की चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट से लोडेड है, कई तरह की मलाई भी है। ये जो चीज़ है बहुत ही खास है, इसे गोला तो मैंने कई जगह पर ट्राई किया है, और ये जो गोला है वो एकदम लोडेड है, और इसकी जो साइज है वो भी कुछ ज़्यादा है। इसमें जो चॉकलेट का फ्लेवर है वो एकदम टेस्टी है, और जैसे यहाँ के ओनर ने हमें बताया कि ये जो आइस है वो आर ऑर्डर के पानी में से बनाई जाती है, इसीलिए आप चाहे एक डिश खाओ, आप दो खाओ, या तो आप तीन खाओ, ये खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो हाय दोस्तों, यहाँ के कस्टमर के रिव्यू भी ले लेते हैं। सो हेलो, कैसा लगा आपको? मेरा नाम शीतल अंतानी है और ये मैं आइस गोला खा रही हूँ, कैडबरी का है, इट्स वेरी टेस्टी। पर्टिकुलर डिशेस तो बहुत मिलती हैं, बट मुझे ऐसे इसमें खाना, स्टिक में खाना बहुत अच्छा लगता है। इसका फील अलग होता है, बहुत अलग होता है। छोटे थे तब ऐसे ही खाते थे, ये डिशेस वगैरह तो अभी निकली है, पर हम छोटे थे तब से यही स्टाइल में खाते आए हैं। जी जी जी। और ये अक्षर आइस गेस्ट करके हैं जूनागढ़ में, प्लीज आइए और हमारे गुजरात का ये आइस गोला डेफिनेटली खाइए। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमें तरह तरह के गोला खाना पसंद है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, और यहाँ का एड्रेस है जूनागढ़ सोमनाथ हाईवे, स्वामीनारायण अक्षर मंदिर के सामने, अक्षर आइस डिश जूनागढ़।